विश्वास लेकर के आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जितने शानदार काम किए हैं, जितने उत्साहवर्धक काम किए हैं, उसका इन विरोधी हमारे जो विरोधी मित्र हैं कांग्रेस के लोग, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, विजन विहीन है, उनके पास कोई विजन भी नहीं है। 2023 का यह जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जो उन्होंने मुद्दे गढ़े हैं, उन मुद्दों को जनता नकारने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से अपना प्यार लगातार मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी अथवा पूर्व के हमारे मुख्यमंत्रियों की अगुवाई में देने का काम किया है, वो अभूतपूर्व है। मैं उसकी प्रशंसा करते हुए ये आज कह सकता हूं कि 2023 का यह विधानसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है। हम 2023 का चुनाव जीत करके 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार गरीब माँ बाप का बेटा, पिछड़ी जाति से आने वाला देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब उन्होंने कमान संभाली तो 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किए। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनती है तो 52 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक के खाते भी खुलते हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस के कनेक्शन भी मिलते हैं। अनेक योजना है जिनका वर्णन का है, उसका डिटेल आपको हम नोट पे देंगे। आज मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से आया हूं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और वहां पर बनने वाले रामलला के भव्य मंदिर में मध्य प्रदेश का बहुत योगदान है। यहां के अनेक वरिष्ठतम नेतागण श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किए हैं। आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामलला 500 साल के बाद अपने जन्म स्थान पर भगवान श्री रामलला का नूतन विग्रह जो है वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां यजमान के रूप में जा रहे हैं और रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा होंगे। ये कांग्रेसी, इनको शर्म नहीं आती है। इसी कांग्रेस पार्टी ने देश की सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र देकर के